इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली हिंसा के बाद ट्विटर की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। ट्विटर ने हिंसा के बाद 550 अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया है। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी और इस दरमियान सोशल मीडिया पर किस तरीके से फर्जी बातें फैलाई जाएं, तनाव को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश न की जाए, इसी के मद्देनजर ट्विटर की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 550 ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया है ट्विटर ने। दिल्ली के हिंसा के बाद ये फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की तरफ से लिया गया है, जहां 500 से ज़्यादा अकाउंट्स को सस्पेंड किया है। दरअसल में इन अकाउंट्स की तरफ से हालात बिगाड़ने की कोशिश लगातार की जा रही होगी। वहीं लाल किला हिंसा के बाद अब क्या कुछ हालात है, बता रहे हैं संवाददाता विनीत दुबे। लाल किला, जी हाँ, ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पहचान है हमारे देश की, और इस पर लहराता ये झंडा हमारे देश की आन बान और शान है। इसी झंडे को अपमानित किया गया, कल पूरा देश शर्मसार हुआ। और किया किसने? उन अन्नदाताओं के एक हिस्से ने, जो कि ट्रैक्टर मार्च के नाम पर आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने इस तस्वीर को, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से वो यहां आए और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो हमारे जवान हैं जो इस झंडे की सुरक्षा के लिए यहां तैनात रहते हैं, यहां ड्यूटी करते हैं, उनके साथ हमला करने के बाद उन्होंने इस सामने जो सफ़ेद कलर का पिलर लगा हुआ है, इस पिलर पर, इस झंडे पर उन्होंने झंडा लगाया। और उसके बाद जो बाईं तरफ बुर्जी आप देख रहे हैं, उस बुर्जी पर जाकर उन्होंने अपने दो झंडे लगाए। आप कह सकते हैं इस बात को कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, क्योंकि किसान नेता इस बात को कहते हैं कि वो उनके नेता नहीं थे, वो उनके कर्मचारी, उनके जो आंदोलनकारी थे वो नहीं थे, वो किसान नहीं थे। तो आखिर वो लोग कौन थे? ये एक झंडा जो है, जो हमारे देश की पहचान है, यहाँ जवान जब शहीद होता है तो इसी झंडे में लिपट कर उसके बाद वो अपने गाँव पहुँचता है, अपने परिवार के पास ले जाते हैं उसको, और इसी झंडे को अपमानित करने के लिए इन किसानों ने, इन जो कहा जा सकता है जो तथाकथित किसान हैं जिन्होंने यहाँ पर हमला किया और जाकर ऊपर झंडा फहराने की कोशिश की, देश को शर्मसार करने की कोशिश की, ऐसे किसानों को लेकर अब पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मीडिया जर्नलिस्ट मनोज के साथ लाल किले से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।